गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनाइजेशन OC जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, उसका चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग समझाने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बदलती गई, उनमें नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो इंडस्ट्री जो था यानी जितने भी कंपनीज ब्रांड्स या फैक्ट्रीज थे, उन सभी ने ज़्यादा मात्रा में सामान बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में इतना ज़्यादा सिस्टम अच्छे से नहीं था प्रोडक्शन का, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया, तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, और वो भी कम दाम पर, जिसके रिजल्ट में एम्प्लॉयज़ जो थे यानी जो स्टाफ था, उन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होने लगा, क्योंकि उनकी जॉब्स छूटने लगी। लास्ट में जब 19th सेंचुरी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैनेजमेंट लीडर्स जो थे, उन लोगों ने प्रोडक्शन को और सेंसिटिव स्टाफ जो जिन्हें मतलब निकाला जा रहा था क्योंकि वो मशीन की तरह काम नहीं कर सकते थे, तो उन्हें इन एनिमेट मशीन्स के तौर पर चेंज कर दिया, यानी कि उन लोगों को मशीन्स की जगह पर चेंज किया गया। नई मशीन्स कंपनीज में आ गई और जितने भी ह्यूमन एम्प्लॉयज़ से उन लोगों को निकाल दिया गया। इससे ये भी पता चला फिर धीरे धीरे कि मशीन जो है वो खुद ब खुद काम नहीं कर सकती, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को उन्हें चलाना सिखाना पड़ेगा, और उनकी देखभाल करने के लिए भी हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइंटिफिक सिस्टम ने एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग जैसे इन सभी भागों में हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ाई। जैसे कि हम लोग आज नौकरी किसे देना है से लेके कौन सा व्यक्ति उसमें काम करेगा और कौन से इंसान को ट्रेनिंग देनी है और कौन सा इंसान ट्रेनिंग लेगा, ये सारे डिसीजंस हम लोगों को बिजनेस में सोचने पड़ते हैं। स्टाफिंग के बारे में बात करें तो जो फंक्शंस हैं आजकल स्टाफिंग के, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपके पास आपका स्टाफ काम करेगा, और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपका स्टाफ आपका काम करके नहीं देगा। उसी तरह से पहले जो ह्यूमंस थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में जैसे जैसे बदलाव आने लगे, तब उसके अंदर प्लानिंग पर्पस के लिए तो स्टाफ की ज़रूरत थी, फॉर्मेशन के लिए और उनके मीन्स काम को जो होता है काम को टाइम पर करने के लिए और मशीन्स को अच्छे से देखने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ने लगी। सबसे बेस्ट चीज़ हम ये देख सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारी अच्छे से तब हो पाती है जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बनी हुई हो, यानी उसके अंदर अच्छे टाइप के एम्प्लॉयज़ हों, उनका सिलेक्शन अच्छे से हुआ हो, साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई हो। अगर उनकी पर्सनल ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता, जिसकी वजह से सक्सेस लाने के लिए पूरी डिपेंडेंसी किस पर होती है, एम्प्लॉयज़ पर और उनके काम के एटीट्यूड पर। अगर वो अपना एटीट्यूड अच्छा नहीं रखेंगे तो बिजनेस में भी भलाई नहीं आएगी। स्टाफ की हर एक एक्टिविटी और उनके रिलेशंस को बनाए रखने के लिए अच्छे से उसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कोई भी ऑर्डिनरी सेंस में हम लोग देख लें, कोई भी आम बात ले लो, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसको लाने और कंपनी में अपॉइंट करने से लेकर उसे ट्रेन करने तक, फिर उसे समझाने तक, और जब वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाए तब उसे उस काम के लिए अपॉइंट करने तक, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की यानी कंपनी की होती है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो होता है यानी जब लोगों को चुना जाता है, उसके लिए कुछ लोग उन्हें मतलब सलाह देते हैं कि ये इंसान इस काम के लिए अच्छा होगा, तो दैट्स रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, फिर जो ओनर है वो उन सभी लोगों में से किसी को चुनेगा, फिर वो बताएगा कि ये किस सेक्शन में फिट इन होता है, तो उसे उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाएगा, जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब प्रमोशन मिलेगा, फिर ट्रांसफ़र किसी अच्छी जगह पर, और फिर रिटायरमेंट। ये एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होती हैं।